जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग्स। गाइस आज मैं यहाँ पे आया हूँ आपको कुछ दिखाना है, कोई देसी मोल। और सबसे पहले मैं खाऊंगा डोनेट, वॉल्स वालों की डोनेट, बड़ी आउटलास्ट ये आइसक्रीम है। ज़रा उसे ज़रा बाहर आया हम, और कुल्फ़ी जो है ना पिघल चुकी है, जो इसकी जो स्टिक होती है, जो डंडी सी होती है, ये बिल्कुल उतर गई है। अब ये हाथ में पकड़ने के काबिल नहीं रही, अब इसे ऐसे ही खाना पड़ेगा, देसी तरीका। पाकिस्तानियों के पास हर चीज़ का हल है। ये देखें जी, माशाल्लाह ये गंदम पक चुकी है। यहाँ पे हमारी ज़मीन है, उधर आगे उधर भी गंदम लगी हुई है, वो भी जो है ना पक चुकी है। अब यहाँ पे ये देखें, थोड़ी टाइम रह गया, थोड़ी सी और धूप छुप लगी तो फिट हो जाएगा काम। हाँ ये गंदम पक चुकी है, हाँ देखें देसी मोल। हाँ मैं आपको बेसन दिखाता हूँ, ये देखें जी, ये है जी रानी, इसका नाम है रानी और ये इसका बच्चा है, और वो है रानी। ये रानी है, रानी बोलती भी है, फुल गुस्से में आ चुकी है ये, ओ फुल गुस्से में है इस वक्त। इसकी आंखें देखें कितनी बड़ी बड़ी हैं। अभी इसकी रस्सी थोड़ी है, वरना ये तो बहुत बहुत गुस्से वाली लग रही है। देखे फुल गुस्से में है। ये पता नहीं क्या बनाया मैं छांव के लिए, धूप ज़्यादा हो तो फिर यहाँ पे बैठा देते हैं। ये देखें जी, ये देखें जी, ये भैंस का जिसमें डालते हैं सारा खाने पीने के लिए, ये वो चीज़ बनी हुई है। ये वो चीज़ है। सुकून ही सुकून है। पूरे पाकिस्तान के हालात ख़राब हुए हुए हैं, इधर देखें कितना सुकून है माशाल्लाह। गांव में गाड़ी भी आ गई, बाइक मैंने रास्ते में खड़ी कर दी। कल के मौलाना हादम रिजवी के बेटे को उन्होंने पकड़ा हुआ है गवर्नमेंट ने, और ताकि ये जलसा जुलूस ना करें, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं। और कल माशाल्लाह रोज़ा है, कल पाकिस्तान में पहला रोज़ा है, और हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी बगैरती ये है कि उन्होंने मौलाना हादम रिजवी के बेटे को पकड़ लिए, तो जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इनको भी डंडे पाड़ रहे हैं और पुलिस वालों को भी डंडे पाड़ रहे हैं।
बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं। और देखिए इधर देखें, किधर सुकून है, इधर पता ही नहीं है कि इधर हो क्या रहा है। शहरों में इतने हालात ख़राब हो चुके हैं कि बंदा कहीं जा नहीं सकता। चलें दफ़ा करें, हालात ख़राब हैं। आप ये देखें बस, सीन देखें, देसी मॉल, गांव का मॉल देखें आप। गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, दूध कैसे निकालते हैं मैं आपको लाइव दिखाता, पर ये अब टाइम नहीं है। शाम के टाइम, असर के टाइम जो है ना, ये सारा प्रोसीजर होता है। आवाज़ सुने, आवाज़ भी आ रही है घंटी की। वे इधर आ रही है, मैंने अब आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं कुछ और चीज़। शहरों में रहने का भी अपने ही मज़ा है और गांव में रहने का भी अपने ही मज़ा है। कोई बंदा ये डिनाई नहीं कर सकता कि शहरों की लाइफ जो है ना अच्छी है या गांव की लाइफ अच्छी है। दोनों सेम है, 50-50 है, मैं कहता हूँ 50-50 है। मुझे गांव में रहना भी पसंद है और शहरों में भी रहना पसंद है। शहरों में बहुत दफ़ा रह चुका हूँ और गांव में भी। गंदम की कटाई बस होने वाली है, एक महीना कम से कम और लगेगा, अब शुरू हो गया काम। फिर आपको इंशाल्लाह लाइव दिखाएंगे कि कटाई कैसे होती है और गंदम कैसे निकलती है और ये कैसे सारा प्रोसीजर होता है, डिटेल से बताऊंगा। मशीनें आना शुरू हो चुकी हैं, ये देखें जी। इतने ज़बरदस्त तरीके से ये गंदम लगी हुई है, कोई बिल्कुल सेम एक ही साइज़ है, ये देखें, बिल्कुल एक साइज़ है, बिल्कुल इनकी जो लेंथ है। ये कड़क कड़क का आवाज़ आना भी शुरू हो गई है इसकी, ये पक चुकी है पर अभी एक महीना कम से कम और लग जाएगा। ये दाना देखें, एक ही साइज़ की बनी हुई, बिल्कुल एक ही साइज़ की जो है ना, सारी पूरी की पूरी जो है ना फसल एक ही साइज़ है, लेंथ एक है, कोई जो है ना ऊंची नीची नहीं है, बिल्कुल सेम एक ही साइज। देखें जी गंदम की कटाई हो भी चुकी है उधर, और अब मैं आपको एक और दिखाता हूँ कि इधर भी जो है ना गंदम की कटाई हो चुकी है। इधर ये सारी जो है ना वो ख़त्म हो गया सारा, अब यहाँ पे भी कटाई हो चुकी है और आस्ता आस्ता जो है ना सब कर रहे हैं, आस्ता आस्ता काम शुरू हो चुके हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़नी है, जैसे सर्दी पड़ी है वैसे गर्मी पड़नी है। ये जगह जी ये लेके जा रहे हैं लकड़ियाँ और देसी मॉल, देसी मॉल पे जा रहा है काम। इन्होंने इधर सेटअप बनाया हुआ है, हर किस्म की सब्ज़ी लगाई हुई है इन्होंने, सब्ज़ी फ्रूट
ये है जी एक छोटी सी कब्रिस्तान है और वो बड़ी है उस तरफ, और ये देखेंगे ये देखिए जो पीछे नेम प्लेट लगी हुई है उसका जो है ना वो इतनी मिट्टी पड़ चुकी है कि वो नज़र ही नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है। आगे चलते हैं जी भाई, रास्ता कौन सा है? और रास्ता बंद है, इधरू किस तरह खोलूं? ये सारी कब्रिस्तान है छोटी सी, और जो बड़ी कब्रिस्तान है वो मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे गांव की जो मेन कब्रिस्तान है बड़ी वो ये है, ये वाली, ये बड़ी कब्रिस्तान है। और अब हम जाएंगे अंदर, ताला लगा हुआ है भाई। कुत्ता किधर है? कुत्ता ये देखें जी, ये लगा हुआ सारा प्याज, ये देखें जी ये सारा प्याज लगा हुआ है। कुत्ता गर्लफ्रेंड ना गिए किरे शहर गन? ओए ना अंदर आ जाए भाई बाद। अच्छा अब मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई हकीम जो है ना कैसे जो है ना ये निकाल रहे हैं। ये लहसुन है, थूम है, लहसुन, ये देखें जी लहसुन ऐसे उतरता है, लहसुन देसी लहसुन है घर का, ये विलायती लहसुन नहीं है, देसी लहसुन है। अच्छा जी ये कुछ देसी तरीका तुसी भाई कर रहे हो जिस तरह तुसी ये कर रहे हो? ये दातरी के साथ जो है ना इन्हें अलग अलग कर रहे हैं। अच्छा कट्ठे तीन तीन? भाई ये पैंपर कहाँ से आ गया इधर, इसका क्या काम है पैंपर का? बंदा करता था मैं बचपन में। ये पैंपर का क्या काम है इधर? इधर मिठाई का डब्बा भी पड़ा हुआ है भाई, देखो बात है यार, ये चीज़ें इधर से किधर से आ गई हैं? ये है जी देसी तरीका प्याज को जो है ना अलहदा करने का, लहसुन को, प्याज कह रहा हूँ लहसुन को। ये है जी भाई हकीम ने मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं, बड़ी बड़ी हो गई हैं भाई, सारे पीस वड्डे हो गए ने बहुत, जिस टाइम से लैके हो उस टाइम बचे बचे बिल्कुल ही। अच्छा वाओ, अच्छा ये प्रोसीजर तैयार करते हैं, ये देखें जी यहाँ पे आपको ये बड़े नजर आएंगे, ये सारे फुल अडल्ट हैं, मुर्गियाँ और मुर्गे फुल तैयार हैं। अब मैं आपको जो है इनके बच्चे दिखाता हूँ लाइव, बच्चे कैसे तैयार होते हैं, पूरा फार्म हाउस बना हुआ है, ये देखें जी माशाल्लाह फुल तरक्की कर गए भाई, ये ऐसे बच्चे तैयार होते हैं, ये सारे बच्चे हैं लाइटें लगी हुई हैं हीट के लिए। अच्छा भाई लाइट की तो कौन ही जरूरत होने, लाइट क्यों ऑन की वैसी? ये जो मैं अब काम करने लगा हूँ ये फर्स्ट टाइम करने लगा हूँ मैं भाई, ये फर्स्ट टाइम है ना,
ये ऐसे पकड़ते हैं, ये चीज ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे कर। अच्छा भाई नहीं, अच्छा भाई गुड़ तैयार हो रहा है, बड़ा प्रोसीजर होना, बड़ा सेटअप बनाया है बार बार। ये आर्डर तो इन्होंने दे के जाते हैं गने के अपने, उन्होंने होंगे कमाश माश भी कर देसी गुड़। हाँ तीन तीन में ले रहे, तीन तीन लगी है, डिंगी हो जाती है भाई यह चीज़, दस डिंगी नहीं होनी चाहिए, सीधी रहनी चाहिए है। तुम वेचना थोन तू रहना कोल अपने, कल रोज है फिर दुबई आने तो रहे है जी, हाँ दुबई आने रहे ना अच्छा। आमदे होने आमदे होने, मैं आमदे होने मैं पकड़ लाँ रस्ते जी, मशीन होनी चाहिए जी इंज रखो बिच कटन हो जी, चाइना को मशीन होंगे ने चमर नहीं पैंती, इतना टाइम नहीं होता को साढ़े को टाइम ही टाइम, नहीं चाइना हम साढ़े किकर पढ़ते हैं और मशीन रखते हैं किकर चुके बाहर लैंने मशीन लगे मुकलना कल तो पैना ही पैना तुम इस टाइम सिर्फ थोम ही लगी है बस, करेले करेले कोनी टमाटर कोनी धनिया पुदीना असी भी लाए पुदीना घर, टमाटर भी निकले ने चार पांच टमाटर भी होए, पुदीना बहुत ज़्यादा निकले धनिया जेड़ा थोड़ा जो बन गई भी राशि तक थानू पा तक नहीं गया तरस पिंडा में पीस दिखा आहो चलो तू जाना गैस जिम्मे थ्रू गया ये वीडियो बनानी है मजा आने दुद्ध धारा कड़ने वीडियो बनानी है धार निकलना।
कोल गंदर भी लगी है। ज्यादा है कब्रस्तान की बना खानगा भी जरा नवा जनाजा गाह बने मैं बनाऊंगे सब भी बनाऊंगे। ओ भाई मैं तो सटी आना मैं गांधी ना ली याद ही करनी क्या टाइम हो गया भाई टाइम क्या हो गया चार हो गए चश्मा पहन के हाँ जी ऐ तको सी ठीक है ना बस हो गई।